वो परिवार जिनको यूपी सरकार से नोटिस सर्व किया गया था कि बहराइच के महसी इलाके में उनका घर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, लिहाजा 60 फीट उनका घर जो सामने का हिस्सा है वो तोड़ा जाएगा, अब वो लोग खुद से अपना घर तोड़ना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, ये जो सामने का पोर्च है इसको यहाँ पर निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में तैनात कर दी गई है, सीनियर अधिकारी जो हैं वो लगातार जो हैं इस सड़क पर मार्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये खुद ही अपना घर यहाँ पर तोड़ रहे हैं। आप लोग अपना घर खुद ही तोड़ रहे हैं? हाँ, तोड़ रहे हैं। वजह? वजह यहाँ बुलडोजर चलने का। क्या कहा गया है बुलडोजर? बुलडोजर कहा कि तेज घर को तोड़ेंगे। घर को तोड़ेंगे? जैसे घर को तोड़ेंगे वही घर से पैसा लाए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि क्या नाम है, नहीं तोड़ोगे अपने आप तो बुलडोजर से तोड़ा कर खुद घर से जो घर तोड़ा जाएगा उससे पैसा लिया जाएगा। उससे पैसा लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। हाँ, तोड़ा जाएगा अब, अगर यानी बुलडोजर तोड़ेगा तो पैसा भी वसूलेंगे। हाँ, आप हमसे मतलब जिसका घर तोड़ा जाएगा उससे पैसा लिया जाएगा, इसीलिए तोड़ा जाएगा। हाँ, इसीलिए। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में तैनात किए गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, अब ऊपर की रेलिंग जो है वो खुद से ये लोग तोड़ रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर पूरा परिवार जो है यहां पर इकट्ठा हो गया है। और इसी घर पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो यहाँ पर नोटिस भी चस्पा की गई है। नोटिस देखिए, ये है अकरम पुत्र खलील के नाम पर, महाराजगंज एरिया 17-10 को। अब मियाद कल की ख़त्म हो चुकी है तो ये नोटिस भी यहाँ पर चस्पा किया गया। जरा पीछे की तरफ आइए क्योंकि घर लगातार तोड़ा जा रहा है, आपको नुकसान ना हो, कैमरे को नुकसान ना हो, हमको नुकसान ना हो। तो इस वजह से जो है यहाँ पर दूरी से देखिए तोड़ा जा रहा है, देखिए किस किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर देखिए तस्वीरों में तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। तो ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि बुलडोज़र इनके घर पे चले, और ताकि इन्हें इनके जेब से अगर बुलडोज़र यहाँ पर आके चलती है तो नोटिस में ये साफ लिखा हुआ, जैसा इन्होंने बताया कि अगर बुलडोज़र आके तोड़ेगा तो बुलडोज़र की जो फीस है इन्हीं से ली जाएगी। बताया जा रहा है कि जो अब्दुल हमीद है उनका जो बड़ा बेटा है पिंटू, हालाँकि वो नामजद नहीं है लेकिन वो ठगी का काम करता है। नेपाल में उसकी ससुराल है और वहीं से वो पूरा रैकेट चलाता है, जो सोना चांदी का कारोबार है उसमें वो शामिल है, और वहाँ से नकली सोना लाके यहाँ पे असली सोना बता के व्यापार करता था, जिसमें अब्दुल हमीद और उनके सभी बेटे उसमें शामिल हैं। पिंटू ठगी का काम करता था, उसने बहराइच में भी कई व्यापारी को भी बेवकूफ़ बनाया, कई पुलिस भी उसके रैकेट में फंसे। ऐसे में ही एक व्यापारी हमारे साथ में है जो ठगी का शिकार हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से काम करता था और उनसे कितनी ठगी हुई है। क्या नाम आपका? सुधीर कुमार गुप्ता नाम है। सुधीर जी, ये जो पिंटू है अब्दुल हमीद का बड़ा लड़का है, उसका क्या इतिहास रहा है, क्या कैसे करता था, आपसे सुना ही ठगी हुई है उससे? पिंटू का तो जो पहले बता देता हूँ कि पिंटू का जो सही नाम है वो महमूद आलम नाम है, पिंटू नाम से ये फेमस है और ये लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाता है, फंसाने के बाद ठगी का शिकार बनाता है। जैसे हाँ, ठगी करी है हमारे साथ तो इन्होंने 2-3 किस्तों में, जैसे कभी 2 लाख रुपए, कभी 1 लाख रुपए, ऐसे करके तकरीबन 4,70,000 रुपए के आसपास की ठगी इन्होंने की है। तो आप उसके संपर्क में कैसे आए? अब चूंकि अब इसका आना जाना था, एक मित्र के जरिए ही मेरी इससे मुलाकात हुई थी। इसका स्टार्टिंग में बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, पोलाइटली बात करता था और सेंसिटिव बातें करता था। तो फिर बीच में इसने हमें ये बताया कि हमारे मतलब पिताजी की तबीयत ख़राब है और हमारी वाइफ को डिलीवरी होने वाला है, तो हमारा पैसा बैंक में है जो FD के रूप में है, अगर हम तोड़ेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको कुछ दिन के बाद आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा। चूँकि इसका व्यवहार अच्छा था इसलिए मैंने इस पर भरोसा करके इसको पेमेंट दे दिया। क्या करता था ये, पैसे लेके क्या करता था? और सुना कि और भी इसके लोगों को ठगी बनाया है, पुलिस भी इसमें शामिल है, तो पैसा क्यों लेता था लोगों से ये? अब जब हम ठगी का शिकार हुए तो हमने इसके बारे में महाराजगंज में इसकी तहकीकात की, तहकीकात से मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि इसका यही पैसा है कि लोगों के साथ ठगी करना और उस पैसे से नेपाल में जाके अय्याशी करता है। तो लोगों से क्या कह के पैसा लेता था ये? लोगों को अपने बहाना बताता था, बीमारियाँ बताता था, कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कराने की बात करता था, प्रॉफिट देने की बात करता था और कुछ ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं जो नेपाल से या चाइना से मंगा के देने की बात करता था, जिससे लोग इसके भ्रामक परिस्थितियों में फंसकर शिकार होते थे। क्या व्यापार करता था ये? अब मुख्यतः तो इसका व्यापार है नकली सोना का,
नकली सोना के साथ साथ जैसे स्थानीय महाराजगंज में हमने पता किया तो लोगों ने बताया कि जाली नोटों का भी काम करता है, कुछ हथियारों का भी काम करता है, इस तरीके की लोगों ने हमें जानकारी दी। तो कौन कौन से लोग इसके रैकेट में फंसे हैं? अब इसके रैकेट में तो सर्वप्रथम तो देखिए हम ही फंसे हैं, क्योंकि हमारा व्यापार था बॉर्डर किनारे तो आता जाता था, तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब हम ठगी का शिकार हुआ तो हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि ये लोगों को अपने जाल में फंसाता है और उनसे धन उगाही करता है, जिसमें क्रमशः एक रत्नेश निगम जी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड मुहर्रर के पद पर इस समय हजूरपुर में तैनात है, उनको भी इसी तरीके से कुछ बातों में, लच्छेदार बातों में फंसा के उनसे भी 5,17,000 रुपये की ठगी कर चुका है, जिसकी सूचना हम लोग कई बार थाना हरदी को दे चुके हैं। ये तकरीबन 2 साल से हम लोग पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई मदद नहीं मिल रही है। अभी हाल ही में 15 से 20 दिन पहले हम लोगों ने एडिशनल साहब को एप्लीकेशन दिया था, उसकी जांच हरदी थाना अध्यक्ष को मिली थी, लेकिन अभी मौके पर ही जो ये कांड हो गया है उस वजह से मामला थोड़ा स्थगित हो गया है। कितने पुलिसकर्मी इसके चंगुल में फंसे, इसके मतलब ठगी का शिकार हुए? इसके जहाँ तक हमने जो लोगों से जिनसे बात की है, जितने हमारे संपर्क में हैं, उसमें इस समय 3 से 4 पुलिस वाले ऐसे हैं जो इसके ठगी के शिकार हुए हैं, और वो अपने सैलरी अकाउंट से और कुछ लोन करा के भी पैसा उसको दिया गया है। तो क्या अभी कभी आपने शिकायत नहीं की है? शिकायत मैंने कई बार किया है, IGRS के माध्यम से किया है। IGRS के साथ साथ मैं फिजिकली भी मैंने एप्लीकेशन थाना हरदी में दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खाना पूर्ति करके उसको बंद कर दिया गया। वो परिवार जिनको यूपी सरकार से नोटिस सर्व किया गया था कि बहराइच के महसी इलाके में उनका घर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, लिहाजा 60 फीट उनका घर जो सामने का हिस्सा है वो तोड़ा जाएगा, अब वो लोग खुद से अपना घर तोड़ना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, ये जो सामने का पोर्च है इसको यहाँ पर निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में तैनात कर दी गई है, सीनियर अधिकारी जो हैं वो लगातार जो हैं इस सड़क पर मार्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये खुद ही अपना घर यहाँ पर तोड़ रहा है। आप लोग अपना घर खुद ही तोड़ रहे हैं? हाँ, तोड़ रहे हैं। वजह? वजह यहाँ बुलडोजर चलने का। क्या कहा है गया है बुलडोजर? बुलडोजर कहा कि तेज घर को तोड़ेंगे। घर को तोड़ेंगे? जैसे घर को तोड़ेंगे वही घर के पैसा लाएंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि क्या नाम है, नहीं तोड़ोगे अपने आप तो बुलडोजर से तोड़ा कर खुद घर से जो घर तोड़ा जाएगा उससे पैसा लिया जाएगा। उससे पैसा लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। हाँ, तोड़ा जाएगा अब, अगर यानी बुलडोजर तोड़ेगा तो पैसा भी वसूलेंगे। हाँ, आप हमसे मतलब जिसका घर तोड़ा जाएगा उससे पैसा लिया जाएगा।